हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। अभी हम आरआरबी ऑफिस के बाहर हैं और आज जो है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का इंटरव्यू चल रहा है। चलिए कैंडिडेट से पूछते हैं कि कैसा उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है। एंड मेक श्योर इस फ्रेंड के चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जी तो सर, हाँ कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आपसे क्या सवाल पूछे गए? काफ़ी नॉर्मल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि एज अ मैनेजर आप बैंक में होते हैं, फंडिंग ज़्यादा आती है या फिर लोन ज़्यादा होता है तो आप कैसे बैलेंस करते हैं, और बाकी चीज़ बैंक क्या होता है। वैसे बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज पूछे कि तुम वैसे नॉर्मली बताओ बैंक होता क्या है, तो ये सारी चीज़ें पूछे। फिर एनपीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे और ये पूछे कि बैंक में बहुत ज़्यादा अगर लोन आ जाता है और उसमें सारे लोन्स में से मोस्टली लोन्स एनपीए हो जाते हैं, बैड लोन्स, तो बैंक को क्या करना चाहिए। ये सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, बस यही था इंटरव्यू। आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कुछ? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, उससे मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस अप्रिशिएट किया कि तुम अच्छे सब्जेक्ट से पढ़े हो। अच्छा। और कुछ खास नहीं। हाँ, ये पूछे कि तुम बैंकिंग में आना क्यों चाहते हो, तो मैंने बताया कि बैंकिंग मेरा इंटरेस्ट है, बहुत मन है, बस यही सारी चीज़ें। अच्छा, कोई रिसेंट वाइज जो करेंट में जो डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उससे कुछ कुछ ऐसा सोचा तो था कि पूछना चाहिए, बट ऐसा कुछ पूछे नहीं। ऐसा कुछ नहीं, 10 मिनट का ही सेशन था, तो कुछ ज़्यादा। आपका क्या रेशियो था बोर्ड मेंबर्स का? 5 थे पैनल में मेरे, 5 पैनल। मेल फीमेल कुछ? एक मैम थी और बाकी 4 मेल मेंबर्स थे। कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल? सिचुएशन यही था कि अगर बैंक में एज अ मैनेजर बहुत सारा लोन्स आता है और डिपॉजिट्स कम है तो आपको क्या करना चाहिए, तो इंटरेस्ट वगैरह के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे, बस यही सारा था। बोर्ड मेंबर का रिएक्शन कैसा था जब आप आंसर कर रहे थे? अच्छा था, वो लोग तो बहुत नॉर्मल बात कर रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे, अच्छे थे। अच्छा, एनी थिंग टू हेजिटेट जो आगे कैंडिडेट आएंगे इंटरव्यू के लिए? इसके इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता है किसी को हेजिटेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत नॉर्मल काम होके जाओ, खुद ही इतना अंदर का माहौल काम कर देंगे कि अच्छा लगेगा जाके। क्वेश्चन के आंसर करो या नहीं करो, पर वो लोग बहुत नॉर्मल, लीनियंट और अच्छे हैं, कूल हैं वो लोग। और कुछ आपका जो प्री और मेन से कुछ रिलेटेड सवाल रहे थे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पूछे थे कब से बैंकिंग के लिए ट्राई किया है, ये सब कुछ था। फिर बताया तो और भी पूछे, और कोई बैंक के लिए फॉर्म डाला है, तो मैंने बताया। हाँ, ये भी पूछे अगर तुम्हारा दूसरे बैंक में होता है तो तुम तो चले जाओगे, तो इसका आंसर करना था, अपने माइंड से करना था कि क्या कर सकते हो। ओवरऑल लास्ट मैं पूछूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? अच्छा था, नॉर्मल, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा था। और यहाँ तक का जर्नी फ्रॉम प्री टू इंटरव्यू? अच्छा था, पर जर्नी तो बेकार ही होता है, पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, जर्नी क्या होता है, पढ़ना ही होता है। क्लर्क वाले में भी हुआ ही होगा, आईबीपीएस आरआरबी का रिजल्ट आया नहीं, पर उसका तो हो चुका है। ओके, आई विश कि फाइनल रिजल्ट में नाम हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। आपका नाम? मैडम आकाश देवर। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू क्या बता गया, जो भी पढ़ के गए थे उसके अलावा सब कुछ पूछा गया। अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा था कि कॉमेडी हो रहा है जैसे है। अच्छा। मतलब होता है ना। अच्छा, बोर्ड रूम में जब इंटर किए तो सबसे पहले आपसे क्या सवाल रहा था? सबसे बस यही बोले कि क्या नाम है। अच्छा। तो बताया आकाश देव नाम मेरा। उसके बाद बस ऐसे ही, मतलब जितना जो भी बैंकिंग का टर्म है, जैसे हम कॉमर्स किए तो कॉमर्स से एक भी चीज़ नहीं पूछा और बैंकिंग टर्म भी एक भी नहीं पूछा, बस सिचुएशनल बेस्ट क्वेश्चन सब चीज़। हाँ, मतलब होता नहीं जिसको मेरी टाइप का, उस टाइप का क्वेश्चन। बोर्ड रूम इंटरेस्ट करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी हुई थी क्या? हाँ, पहले फॉर्मेलिटी वही डीबी वगैरह सब होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है, बस वही। अच्छा, थंब इम्प्रेशन वगैरह? थंब इम्प्रेशन सब चीज़। हाँ, कितना वक्त लग रहा है उसमें? उसमें मैक्सिमम आधा घंटा तो मतलब वेरिफिकेशन के लिए होता है, और फिर उसके बाद जो भी मतलब वेरीफाई करता है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, तो उसके लिए थोड़ा सा होता है। सेशन कितने देर का चल रहा है इंटरव्यू का? 10 मिनट। 10 मिनट सबका, 10 मिनट ही हो रहा है। क्या टर्म रहा, क्या सवाल रहा, थोड़ा बताइएगा हमें एक्सप्लेन करके। सवाल क्या बताएं, पूछ रहे थे कि मान लीजिए अगर एक मैडम थी पैनल मेंबर, तो मैडम थी तो बोल रहे थे कि अगर इनके बेटे को अगर थप्पड़ मार देंगे, मतलब एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करना चाहिए, तो हम पूछे कि सर एज क्या हुआ, मतलब बच्चे का क्या एज है, तो बोले कि ढाई साल या 5 साल मान के चलो। तो हम बोले कि 5 साल अगर है तो डिपेंड करता है, मतलब एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा को दिखाना चाहिए। तो बोला क्यों, तो हम शायद मूवी देख के आया होगा कोई, मतलब एक मुना भाई एमबीबीएस है ना, तो बोले कि मुना भाई एमबीबीएस मूवी देख के आए होंगे इसीलिए गांधी जी जो बोलते हैं उसके बारे में, तो सब पैनल में हंसने लगे। मतलब कॉमेडी टाइप का माहौल था, मतलब जो स्ट्रेस लेता है ना बच्चा लोग, मतलब स्ट्रेस का एक भी, मतलब स्ट्रेस लेने का कुछ सवाल ही नहीं था,
आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से सवाल रहा था कि नहीं? कुछ नहीं था, कॉमर्स के थे तो कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। जैसे बैंकिंग टर्म लाइक RR, CRR ऐसे कुछ सवाल, मतलब मेरे से नहीं, मतलब बाकी सबसे पूछा गया कुछ टर्म, लेकिन मेरे से ना कॉमर्स के रिलेटेड पूछा और ना ही बैंक से रिलेटेड पूछा। बोर्ड मेंबर का क्या रेशियो था, मेल फीमेल? मेल मतलब टोटल चार पांच लोग थे, तो एक फीमेल थी और चार मेल थे। अच्छा, कोई प्रोवोकिंग क्वेश्चन जहाँ पे आपको टीज करने की कोशिश या कुछ ऐसा उटपटांग सवाल आपसे पूछे जा रहे हो? हाँ, तो मतलब एक पूछे थे, अगर आप ब्रांच मैनेजर है, मतलब आप PO बन गए, तो सर्वर डाउन है और बहुत सारा भीड़ है, अच्छा, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? अच्छा। तो हम बोले कि मैम अगर हैंडल, मतलब हैंडल कर सकते हैं, पहले उनसे उन लोग से बात करेंगे, हिंदी में ही बात करेंगे, अगर हिंदी में अगर समझते हैं तो, क्योंकि वो लोग भी ग्रामीण इलाके से हैं, जैसे ग्रामीण बैंक है ना, तो ग्रामीण इलाके से, और हम भी ग्रामीण इलाके बिलोंग करते हैं, तो वही बोलेंगे कि मतलब अगर हिंदी में नहीं मान पाते तो अपने लोकल लैंग्वेज में शायद मान सके, क्योंकि उन लोगों को हम भी अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि क्या मतलब रह सकता है। अच्छा, करंट अफेयर से कुछ सवाल जो बैंकिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें, या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसेंट में कुछ हुआ उससे सवाल? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कोई नहीं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह कुछ ऐसे? बैंकिंग का कोई टर्म ही नहीं आया इसमें। अच्छा, 10 मिनट का आपका इंटरव्यू चला, कैसा लगा आपको? मतलब इट वॉज गुड या फिर लगा कि नहीं कुछ और बेहतर बोल सकते? अब इंटरव्यू में बैठने बाद तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, लेकिन बाद में भी लगता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, लेकिन बस इतना ये है ना कि हम एक महीना से रात भर पढ़ें, दिन भर पढ़ते रहें, लेकिन उससे एक भी चीज़ नहीं आया, उससे हट के, मतलब जो सोचे थे उसके जस्ट अपोजिट आया। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, मतलब मेरा तो पहला इंटरव्यू था एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब जो होता ना जॉब के लिए पहला इंटरव्यू था मेरा, तो लगाने तक इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे, मतलब बहुत मज़ेदार था। आई विश कि आपका फाइनल जो 1 जनवरी का रिजल्ट है उसमें आपका नाम हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। सो दिस इज़ द अपडेट, इस तरह का अपडेट सिनेमा से बने रही है और देखते रहिए पटना में।